उपराजधानी में कोरोना के प्रकोप पर काबू पा लिया गया है, लेकिन स्वाइन फ्लू का खौफ बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा नियंत्रण के लिए ठोस उपायों की कमी के कारण वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में विभिन्न अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के 17 नए मामले सामने आए हैं। 167 मरीज विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती है, जबकि 20 मरीज वेंटिलेटर पर है। नागपुर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते संकट के चलते नगर निगम के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मेयो, एम्स समेत मेडिकल और निजी अस्पताल के ट्रस्ट स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं। विभाग में अप्रैल से अब तक 430 स्वाइन फ्लू के मरीज दर्ज हो चुके हैं, तो 25 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी मौतें इसी डेढ़ महीने में हुई है, इसलिए इस महीने में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। विभिन्न अस्पतालों में कुल 167 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें 77 नगर पालिका सीमा में, 38 नागपुर ग्रामीण और 50 जिले के बाहर के हैं। कुल 20 प्रभावित लोग वेंटिलेटर पर हैं। शहर में 8, ग्रामीण इलाकों में 6 और जिले के बाहर 6 लोग हैं। इसी बीच 24 घंटों में कुल 17 मरीज मिले, 11 शहर में और 6 जिले के बाहर। नागपुर के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को एक भी स्वाइन फ्लू का मरीज नहीं मिलने पर प्रशासन ने संतोष जताया है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।